अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल। यूर्स पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आज की डेट में एक पेपर हो चुका है। ज़कात एंड उशर डिपार्टमेंट के लिए ये पेपर कंडक्ट किया जा चुका है। अभी इसका पार्ट टू मैं सॉल्व करूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। इससे कबल मैं पार्ट वन अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने पहले वाला पार्ट वॉच नहीं किया तो चैनल पर जाके वॉच कर लें, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के पार्ट टू की जाने पर, मज़ीद क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, डिप्टी चेयरमैन ऑफ सेनेट इज। सेनेट का डिप्टी चेयरमैन मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी है और ये 12 मार्च 2021 से बरा जवान है अपनी सीट पर। 22, ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज मेक्स बिटवीन एलाइड फोर्सेज वर्सेज जर्मनी, ठीक है, विक्टोरियस एलाइज फोर्सेज एंड जर्मनी। ये जून 1919 में ये जो ट्रीटी थी ये साइन की गई थी। नेक्स्ट है 23, बिनाइन है, इसका एंटोनियम यानी अपोजिट बताना है। बिनाइन का मतलब होता है बेज़रर, यानी ऐसी चीज़ जो कोई नुकसान ना पहुंचा सके। इसका जो अपोजिट है यहाँ पर दिए गए हैं, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। इनमें से अगर कोई भी आपके पास ऑप्शन था तो आप सेलेक्ट कर सकते थे। तो दीज आर द एंटोनियम्स ऑफ बिनाइन। 24 है जी ट्रांसमिट का मतलब होता है तरसील, इसका एंटोनियम अपोजिट यहाँ पर आपको स्क्रीन पर मैंने दो यहाँ पर लिखे हैं, एक्सेप्ट एंड रिसीव। तो अगर ये इंटोनियम थे तो आप इनमें से कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते थे हैं। 25 है पुलिस इज डैश द मैटर, पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर, लुकिंग इनटू इज द करेक्ट आंसर। 26 है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पेशे के एतबार से क्या थे, ईसा अलैहिस्सलाम पेशे के एतबार से कारपेंटर थे बड़े। 27 फिरदौस से बरी किसने लिखी, फिरदौस से बरी अब्दुल हलीम शरर ने लिखी थी। 28 खदीजा मस्तूर का नावल कौन सा है, आंगन, आंगन खदीजा मस्तूर का बहुत ही फेमस नावल है। 29 हु वॉज दी थर्ड प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, आंसर इज याहिया खान, 1917 में पैदा हुए थे चकवाल में और 1980 में ये रावलपिंडी में फौत हुए थे। तो ये याहिया खान पाकिस्तान के तीसरे प्रेजिडेंट यानी सदर रह चुके हैं। नेक्स्ट है 30 एन आर्मी कैंप ऑफ 200 मैन हैज़ एन फूड फॉर 60 डेज, आर्मी का कैंप है 200 मैन है और 60 दिनों का खाना मौजूद है। हाउ लॉन्ग विल द फूड लॉस्ट, कितना देर तक खाना काफ़ी होगा इफ़ द नंबर ऑफ मैन ऑफ द कैंप इज रिड्यूस टू 160, अगर 200 से कम करके तादाद 160 कर दी जाए। तो करेक्ट आंसर इसका 72 है, सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर है, इसको सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर 72 डेज है। 31 कुरान मजीद में नफ्स की कितनी अकसाम बयान की गई हैं, तो फिर इस आंसर को आपने कन्फर्म कर लेना है। कई जगह पे 7 मुझे मिला है, कई जगह पे 5, कई जगह पे 3, एम्बिग्यूटी है, कन्फर्म नहीं है मुझे, आप कन्फर्म कर लीजिएगा इस आंसर को। 32 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद कुरान मजीद की किस सूरह में है, तो इस सूरह साफ में हज़रत मोहम्मद सल्लम का नाम अहमद मौजूद हैं। सो व्यूअर्स, इसी के साथ इस पेपर के जितने भी सवाल आते हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के मज़ीद अगर आपके पास पास्ट पेपर हैं तो मुझे आप सेंड कर सकते हैं हमारे फेसबुक पे पेज पे, फेसबुक का पेज भी लाइक कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमें भेज सकते हैं, मैं इस तरह के सॉल्व करके आपके साथ शेयर करता रहूँगा। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, see you in the next video, thank you so much for watching, Allah Hafiz.